जिला विज्ञान केंद्र हागू इन्नर व्हील क्लब आफ् गुलबर्गा सन सिटी नेतृत्व में राष्ट्रीय इंधन संरक्षणा दिन आचरिसलायितु। कलबुर्गी नगर टैंक बंड रस्ते जिला विज्ञान केंद्र जिला विज्ञान केंद्र गुलबर्गा सन सिटी इन्नर व्हील क्लब नेतृत्व में आयोजन राष्ट्रीय इंधन संरक्षणा दिनाचरण समारंभवन्नु श्रेयांस इंडियन ग्यास एजेंसी व्यवस्थापक श्रीमती नैना नवीन उद्घाटी मतनाडिदरु। डिसेंबर 14 रंदु राष्ट्रीय इंधन संरक्षणा दिनवन्नागि गुरुतिसलागिद्दु इंधन दक्षते मत्तु संरक्षणेयल्लिन साधनेगळन्नु गुरुतिसलु हागू आचरिसलु मीसलागिरुव दिन शक्तिय बळकेयन्नु कडिमे माडुव मूलक मत्तु अदन्नु परिणामकारियागि बळसुव मूलक इंधन उळितायद बग्गे जनरल्लि जागृति मूडिसुवुदु आवश्यकवागिदे एंदु तिळिसिदरु। सेफ करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज पोल्यूशन भी इतना हो रहा है एंड फ्यूल अभी जैसे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं प्राइजेस क्योंकि कम हो रहा है इसीलिए। सो हम सभी को सेव करना चाहिए और वन एक पार्ट है उसमें से गैस। तो सब स्टार्ट करने के पहले मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपको पता है कि गैस कैसे बनता है? कोई बता सकेगा गैस कैसे बनता है? जैसे पेट्रोल बनता है उसमें से एक एक्सट्रैक्ट निकलता है क्रूड ऑयल, फिर क्रूड ऑयल में कुछ केमिकल्स डालते हैं और फिर गैस बनता है। तो व्हाट आर दिस केमिकल्स, किसी को पता है? लिथियम, इट इज बुटेन एंड प्रोपीन। These two chemicals are used, ये गैस बनाने के लिए काम आता है और स्मेल के लिए इसमें डाला जाता है इथेल मैरिकैप्चन, क्योंकि थोड़ा स्मेल आना चाहिए इसलिए इसमें इथेल मैरिकैप्चन डाला जाता है। तो ये तो ठीक है गैस कैसे बनता है। अभी एक क्वेश्चन नेक्स्ट है कि हम लोग जो घर पे सिलेंडर यूज करते हैं वो कितने केजी गैस होता है उसमें, कोई बता सकते हैं? 14.2 नियर अबाउट राइट है। और जो सिलेंडर है वो टोटल क्या वेट का होता है? जो हमारा रेगुलर सिलेंडर है 60 केजी। कितना? 16 केजी। तो एक्चुअली एमटी सिलेंडर 16 केजी का और गैस उसमें रहता है 14.2 केजी, तो टोटल 30.2 ऐसे कुछ उसका वेट रहता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेफ्टी पॉइंट्स। फर्स्ट, जैसे अभी सिलेंडर है ये तो अभी नया है, लाइक इसके बारे में मैं फिर से बोलूंगी। जो हम घर में यूज करते हैं दैट इज स्टील वाला सिलेंडर जो 14.2 केजी का होता है, तो सिलेंडर कभी भी हमें अपराइट पोजीशन में ही रखना है, हम लोग को सुला के नहीं रखना है सिलेंडर, क्योंकि अगर हम उसको सुला के रखते हैं तो लीकेज होने के चांसेस होते हैं और कभी भी गैस लीक नीचे के लेवल से आता है ऊपर, तो काफ़ी चांसेस होते हैं लीकेज होने के, तो हम लोग को सिलेंडर अपराइट रखना है। सिलेंडर पे कुछ रहेगा तो ध्यान में नहीं आएगा कि हम नॉब बंद करें या कैप लगाएं, तो सिलेंडर सामान रखने के लिए नहीं है, तो उसमें हम लोग तुरंत ही नॉब बंद करके कैप लगा सकते हैं, तो ये भी एक सेफ्टी पॉइंट है। फिर जब हम एक यूटेंसिल रखते हैं बर्तन स्टोव पे, तो फ्लैट यूटेंसिल्स यूज़ करना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि फ्लैट यूटेंसिल यूज़ करेंगे तो पूरा आंच बर्तन को लगेगा, इससे हम लोग का गैस थोड़ा थोड़ा कंजर्व होगा कि गैस वेस्ट नहीं जाएगा, पूरा आंच बर्तन को ही लगेगा। हमेशा सुरक्षा पाइप यूज़ कीजिए, जब हम लोग गैस के पास गैस से कनेक्ट करते हैं सिलेंडर को
तो यूज सुरक्षा पाइप कीजिए, पहले आता था ग्रीन पाइप, अभी सभी की सेफ्टी के लिए कंपनी ने स्टार्ट किया है सुरक्षा पाइप, गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, और ये सुरक्षा पाइप 5 इयर्स का वैलिडिटी होता है, और आफ्टर 5 इयर्स चेंज करना चाहिए, वो भले ही अच्छा दिखता हो लेकिन एक्चुअली रूल्स है कि 5 इयर्स के बाद चेंज करो आपकी सेफ्टी के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये कभी भी LPG कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास से ले लें, क्योंकि बाहर जो बेचने वाले आते हैं वो ISI मार्क नहीं होता है, ये जो LPG डिस्ट्रीब्यूटर के पास होता है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है, ISI मार्क होता है, तो उन्हीं से ले लें ये पाइप। फिर रोज रात में सिलेंडर नॉब बंद करना चाहिए, जैसे पहले जब गैस कम होता था, सभी के पास गैस नहीं होता था, एक सिगड़ी भी यूज़ करते थे और गैस भी यूज़ करते थे, तो याद है हम लोग को कि हम जब छोटे थे तो मम्माज और सब रात में बोलते थे कि गैस का नॉब बंद कर देने का, तो ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि रात में हो सके जब तक गैस का नॉब बंद करें। आजकल तो इतना इजी गोइंग गैस मिल रहा है सबको, तो इतना फिक्र नहीं कर रहे हैं, बट सेफ्टी के हिसाब से गैस का नॉब बंद करना चाहिए। और कहीं ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಸನ್ಸಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಲ್ಲವಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮುಕ್ಕ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತೃಪ್ತಿ ಶಾ, ಡಿಎಸ್ಸಿಜಿಯ ಎನ್ ಪೊನ್ನರಸನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.